नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज ऑन डिफरेंट हाउसेस। भावों की यात्रा करते करते दोस्तों, आज हम मोस्ट सेक्रेड हाउस पर पहुंच गए हैं, यानी के जो सबसे उत्तम हाउस है, सबसे बढ़िया हाउस है। इंसान के जीवन में सबसे बढ़िया दोस्तों क्या चीज होती है? अगर कोई इंसान खूब पैसे वाले घर में पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं, क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ है? सो दोस्तों, आशा मेरा आप समझ गए होंगे कि आज हम किस्मत के भाव, किस्मत के घर को जांचेंगे, समझेंगे कि ये जो नाइन्थ हाउस है, जिसको हम हाउस ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं, हाउस ऑफ रिलीजियस ग्रोथ भी कहते हैं, हाउस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कहते हैं, ये क्या है? इसको जानेंगे, इसको समझेंगे कि नाइन्थ हाउस से, नौवें भाव से क्या क्या चीजें जानी जा सकती हैं। नौवें भाव में शास्त्रों में क्या निहित है, रिसर्चर्स ने इसमें क्या क्या बताया है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, वही निवेदन जो हर वीडियो में मैं करता हूं, कागज पेन अपने पास रखें, पॉइंट्स को नोट करें। पॉइंट्स को नोट करेंगे वो पॉइंट्स आपके लिए जीवन भर की कुंजी बन जाएंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आप नोट करें कि ये साइन कैसा साइन है। दोस्तों ये साइन है डुअल साइन है, द्विस्वभावी साइन है। दूसरा, ये फायरी साइन है। थोड़ा सा फायरी से हम क्या समझ सकते हैं, ये उग्र भी होगा, अग्नि से संबंधित है, फायर से संबंधित है। हालांकि कहीं पे दोस्तों आपको ये लगेगा कि ये एक डिस्पैरिटी की स्टेटमेंट है। पूरी बात, क्योंकि ये हाउस जुपिटर का है, जुपिटर का हाउस होने की वजह से ये फायरी कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन सी फायर आपने देखनी है, ये किस कारण से इसको फायरी बोला गया। दोस्तों अब ये हाउस 9 नंबर है, तो ये कौन सा हुआ, ये ऑड साइन हुआ, ऑड साइन हुआ। अब नोट करें इसके लॉर्ड कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके नाइन्थ हाउस के काल पुरुष की कुंडली उठा के देखें, दोबारा से याद करें कि नेचुरल लॉर्ड ऑफ काल पुरुष कुंडली फॉर नाइन्थ हाउस वो कौन है, वो है दोस्तों जुपिटर, यानी बृहस्पति देवता। अब दोस्तों नोट करें इस नौवें भाव यानी नाइन्थ हाउस के जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, यानी के कारक, कारक कौन है दोस्तों, इसके कारक भी जुपिटर ही हैं। दोस्तों ये अकेला हाउस है, 12 के 12 भावों में ये अकेला घर है जिसमें मालिक भी जुपिटर हैं, नेचुरल कारक भी जुपिटर हैं, बाकी जितने भाव दोस्तों आए अब तक उनमें अगर लॉर्ड दूसरे हैं तो कारक दूसरे हैं। मगर इसमें, हालांकि ये डुअल साइन है दोस्तों, मगर यहां पे अब ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों है। इसके अब आप ट्रायंगल की शेप बनाएं, ट्रायंगल के एक तरफ आप जुपिटर जो कि लॉर्ड हैं इस हाउस के, इस मकान के मालिक हैं, आप उनका नाम लिख लें, और दूसरी तरफ नेचुरल कारक, नेचुरल सिग्निफिकेटर, वो भी दोस्तों कौन है इस घर के, वो भी जुपिटर ही है। अब हम ये समझेंगे कि ये हाउस एक्चुअल में बताता क्या है। दोस्तों ये हाउस या ये भाव, इस भाव को अगर हम राशि से देखेंगे तो ये कौन सी राशि होगी दोस्तों, ये सेजिटेरियस राशि होगी। मगर हम यहां पे राशि नहीं समझ रहे, ना ही राशि के बारे में कोई बात कर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में मेरे कुछ दोस्तों ने ये प्रश्न भी उठाया था
कि क्या ये वीडियोस राशि के बारे में है या भाव के बारे में है। तो दोस्तों मैं यहां पे ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि राशि का नाम मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नाइन्थ हाउस है। अब सेजिटेरियस नाइन्थ हाउस है, मगर हम इन वीडियोस में सिर्फ हाउसेस और हाउसेस की एनर्जी को ही जान रहे हैं। ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ हाउसेस के बारे में, भावों के बारे में या उनकी एनर्जीज को जानने के बारे में ही हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि ये हाउस ऑफ डेस्टिनी है। अब हाउस ऑफ डेस्टिनी है तो इसके साथ कहीं ना कहीं किस्मत का संबंध होगा। किस्मत दोस्तों ये क्या चीज होती है? ये कोई इंसान या कोई भी आत्मा जो जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आती है वो अपनी किस्मत बना नहीं सकती। किस्मत उसको परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में, ये परमात्मा की तरफ से मिलती है। हां, इसके पीछे कुछ संबंध पास्ट लाइफ्स के भी आते हैं, मगर दोस्तों डेस्टिनी एक ऐसी चीज है जिसका आपके कर्मों से, आपकी आत्मा से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का विषय है। परमात्मा किसी को भी चाहे अमिताभ बच्चन बना दे, किसी को चाहे मुकेश अंबानी बना दे, किसी को चाहे बिल गेट्स बना दे, मगर दोस्तों सब अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी या बिल गेट्स नहीं बन सकते। वो परमात्मा बनाता है। क्रिकेट में क्रिकेटर बहुत आए मगर सचिन तेंदुलकर ब्लेस्ड चाइल्ड। हालांकि हम लोग उसको ब्लेस्ड चाइल्ड इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा चाइल्ड लाइक है। डेस्टिनी में उसके क्रिकेट थी, इसीलिए उसको क्रिकेट का भगवान भी बोला जाता है। हालांकि भगवान तो दोस्तों कोई नहीं हो सकता, वो तो परमात्मा आप ही होंगे। ये बात थी कि डेस्टिनी इस हाउस से देखी जाती है कि कितना जो भी जातक सेजिटेरियस या नौवें भाव में जन्म लेता है उसके पास कितनी डेस्टिनी है, ये इस भाव से हम जांचते हैं। अब दोस्तों यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, अच्छे हाउसेस जब भी हम जांचते हैं, फर्स्ट जो त्रिकोण है जिसको हम मूल त्रिकोण भी कहते हैं वो कौन सी है? 1, 5 और 9। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। और दोस्तों ये जो मूल त्रिकोण है ये धर्म की त्रिकोण है, ये धार्मिक त्रिकोण है। दिस इज धार्मिक ट्रायंगल या रिलीजियस ट्रायंगल 159। इसको हम मोस्ट ऑस्पिशियस भी मानते हैं। अब फर्स्ट हाउस तो आपका दोस्तों असेंडेंट हाउस हुआ। फिफ्थ हाउस में हम क्या देखते हैं? आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को देखते हैं। नाइन्थ हाउस में हमने क्या देखना है? इस लाइफ के जो जो चीजें हमने अचीव करके स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हुए हम कितनी डेवलपमेंट कर पाए, ये चीज नाइन्थ हाउस से दोस्तों देखी जाती है। अब वो इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको समझा सकता हूं। अब दोस्तों आप देखें, सिक्स्थ हाउस आपका प्रॉब्लम्स का हाउस है, आपका ट्रबल्स का हाउस है, आपका कंपटीशन का हाउस। फिफ्थ हाउस आपके बर्थ का हाउस है। फिफ्थ हाउस दोस्तों आपके बर्थ का हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपके कंपटीशन का हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपको दुनिया की प्रॉब्लम से लड़ने का सामर्थ्य देता है, मगर दोस्तों यहां पे थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप देख सकते हैं। सेवंथ हाउस तो है ही आपकी आदि ऊर्जा का, आदि शक्ति का, या किसी भी आत्मा की जो शक्ति है। मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि आपके ऑपोजिट सेवंथ हाउस में निहित होती, तो सेवंथ हाउस आपकी ऊर्जा का हाउस है, आपकी एनर्जी का हाउस है। और वो एनर्जी कौन सी है? वो है
मूलाधार चक्र की एनर्जी। मूलाधार चक्र को जब भी एक्टिवेट दोस्तों किया जाएगा वो सेवंथ हाउस से ही एक्टिवेट किया जाएगा, क्योंकि सेवंथ हाउस वीनस का हाउस है, सेवंथ हाउस सेक्स सेंटर्स का हाउस है और मूलाधार चक्र की प्लेसमेंट सेक्स सेंटर्स से जरा सा नीचे है। जब हम सेक्स सेंटर्स को पार करके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो हम साधना के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखते हैं। उसके बाद आता है आठवां घर, आठवां हाउस। आठवें हाउस को हम साधना का हाउस कहते हैं। ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ साधना। अब पांचवें घर से लेकर छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, इन चार घरों में जो भी आपने डेवलपमेंट की, आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चले, उन सब का जो मिश्रण है वो आपको नाइन्थ हाउस में देखने को मिलेगा। नाइन्थ हाउस इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताने वाला हाउस है। आप कितने रिलीजियस कार्य करोगे और कितने स्पिरिचुअल कार्य करोगे, दोस्तों इन दोनों में बहुत फर्क है। धर्म और साधना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। आप धर्म में कितने प्रवृत्त हैं ये भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। आप कितनी धार्मिक यात्राएं करते हैं ये भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। और आपने साधना के क्षेत्र में कितनी डेवलपमेंट की है ये भी हम नाइन्थ हाउस से ही देखेंगे। अब दोस्तों नाइन्थ हाउस के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु। अब गुरु कौन है दोस्तों? सबसे पहला गुरु तो परमात्मा ही रहेगा और लास्ट गुरु भी परमात्मा ही रहेगा। वो हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि परमात्मा गुरु है, परमात्मा शिक्षक है, परमात्मा ही आपको जन्म देने वाला है और इसलिए हम उस गुरु को हम कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में प्लेस कर सकते हैं, असेंडेंट हाउस। अब उसके बाद दूसरा गुरु दोस्तों वो कौन है? दूसरा गुरु हमेशा ही माता होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो दूसरा गुरु माता होती है। दूसरा गुरु माता है तो माता का घर कौन सा है? दैट इज फोर्थ हाउस। तीसरा गुरु कौन होता है? पिता होता है। अब पिता का घर कौन सा है? ये ही नाइन्थ हाउस दोस्तों, ये पिता का घर है। दिस इज सेकेंड हाउस ऑफ गुरु। फर्स्ट हाउस ऑफ गुरु इज फोर्थ हाउस, सेकेंड हाउस ऑफ गुरु इज नाइन्थ हाउस। और ये अकेला पिता का घर नहीं है, ये आपके रेगुलर गुरु, रेगुलर शिक्षक और स्पिरिचुअल गुरु का भी ये ही घर है। नाइन्थ हाउस से दोस्तों हम फादर को भी देखेंगे, नाइन्थ हाउस से हम अपने जो नॉर्मल शिक्षक जिनको हम टीचर कहते हैं हम उनको भी देखेंगे और नाइन्थ हाउस से हम जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको भी इसी से एसोसिएट करेंगे। सो दोस्तों अब आप थोड़ी सी ये बातें समझ गए होंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस 159 के ऊपर क्यों दिया जाता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस को हम बर्थ का हाउस लेते हैं, फिफ्थ हाउस से हम पास्ट लाइफ कनेक्शंस को देखते हैं और नाइन्थ हाउस से जो कुछ भी हमने इस लाइफ में डेवलपमेंट की, जो भी इस लाइफ में हमने ग्रोथ अचीव की वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब आप दोस्तों यहां पे आप कहोगे कि मैं हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ की ही बात क्यों करता हूं या ज्यादा बात क्यों करता हूं? दोस्तों कहीं ना कहीं अब आप देखो इस चीज को समझ लो, ये मैं बातें क्यों करता हूं वो भी मैं आपको समझा देता। ये जो हॉरोस्कोप है, ये जो 12 घर का मिलाकर जो हॉरोस्कोप बनता है दोस्तों, ये आत्मा के जन्म से लेकर
शरीर की मृत्यु तक के 12 घर हैं, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ही दर्शाने वाले हैं। हाँ, इसके साथ साथ ऐसे नहीं है कि सारा जीवन सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी ही है, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ मेटीरियल ग्रोथ भी हो सकती है, और मेटीरियल ग्रोथ को भी हम इन्हीं 12 घरों से ही देखते हैं। मगर बेसिक मोटिव एस्ट्रोलॉजी का दोस्तों वो तो ये ही है कि हम जो आत्मा जन्म लेकर इस धरती पर आई, उसने अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए परमात्मा के रास्ते पर अपने आप को कितना लेकर गए इस जीवन में, ये ही हमने इस जीवन से या हमने एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप से देखना है। इस चीज को आप क्लियरली समझ लें ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि जी अब तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ स्पिरिचुअल साइंस हो गई, इसका मेटीरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, और जो लोग मेटीरियल दुनिया में रहना चाहते हैं, मेटीरियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो तो कहेंगे फिर हमारे लिए तो जी एस्ट्रोलॉजी बेकार का सब्जेक्ट हो गया क्योंकि हमारे लिए इसमें कुछ भी निहित नहीं। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, हम मेटीरियल ग्रोथ को भी एस्ट्रोलॉजी के इस हॉरोस्कोप से देख सकते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इस हॉरोस्कोप से देख सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ जानने के लिए आपको 159 ये तीन हाउसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। इसीलिए मैं 9th हाउस के ऊपर दोस्तों इतना स्ट्रेस डाल रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अगर आपने किसी के भी जीवन में कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, कितनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप 9th हाउस को अच्छे ढंग से एनालाइज करें। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि अगर 9th हाउस का ट्रायंगल आप दोबारा बना लें, इस ट्रायंगल में दोनों तरफ, अब आपको पता लग गया कि दोनों तरफ जुपिटर महाराज है, अब दो जुपिटर प्रेजेंट हैं और ये दो जुपिटर मिलके क्या चीज आपको दे सकते हैं, क्या नेचुरल चीजें इनसे, इनके मिश्रण से निकल कर आ सकती हैं जो किसी के भी गुण स्वभाव में देखने को मिलेंगी, वो आप नोट कर लें दोस्तों। कागज पेन आपके पास है वो एक एक करके आप पॉइंट नोट करते जाएं। आदमी का दोस्तों, हाँ एक चीज दोस्तों मैं भूल गया बताना, क्योंकि जुपिटर को हम फादर मानते हैं, इसीलिए जो बच्चे यानी प्रोजेनी यानी पुत्र अगर एसोसिएट करते हैं हम, वो जुपिटर के साथ ही एसोसिएट करते हैं, इसीलिए हम 9th हाउस को फादर का हाउस भी मानते हैं और जुपिटर को हम मेल प्लेनेट के तौर पर देखते हैं, पुत्र कारक। हालांकि कुछ शास्त्रों में इसको जीवात्मा भी बोला गया है, मगर ये जो जीवात्मा है ये पुत्र से संबंधित जीवात्मा ही है, मेल है दोस्तों, पुरुष है। अब आप नोट करें कि जो नेचुरल कैरेक्टर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जुपिटर है क्योंकि ये एक नेचुरल एक्सपेंशन देने वाला प्लेनेट है। ये जुपिटर को अगर आप शास्त्रों में भी देखोगे कि जुपिटर के बारे में क्या बताया गया कि जुपिटर की हाइट दोस्तों ज्यादा नहीं थी, मीडियम हाइट थी, मगर बिल्ट अच्छी थी, वेल बिल्ट थी, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता है सबसे ज्यादा एजुकेशन सबसे ज्यादा नॉलेज जुपिटर महाराज के पास है, इसलिए ये फियरलेस थे। डर की कोई भी भावना कोई भी इमोशन आपको इनकी आंखों से लेकर इनके दिल दिमाग में देखने को नहीं मिलेगा, वेरी फियरलेस। अब ब्रॉड फेस है, राउंड बेली है, ये राउंड बेली का भी दोस्तों मैं रीजन आपको समझा सकता हूं। अब आप एक चीज देखिए, जितने भी आप साधकों के फोटोग्राफ्स देखेंगे, जितने भी आप देवताओं के, चाहे वो मूर्तियों के चित्र हैं या आपको जो भी कैरिकेचर जो उपलब्ध है आपको मिल सकता है शास्त्रों में, आप देखोगे जितने लोग साधना करने वाले हैं कहीं ना कहीं
उनका पेट निकला हुआ दिखेगा। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ये साधक नहीं है, ये ज्यादा खान पान करने वाले। मगर दोस्तों ये आप आज मैं आपको एक थोड़ा सा टिप भी दे टिप समझ लें इस चीज को। जो लोग भी योगा शुरू करेंगे, योगा यानी कि योग, क्योंकि मैं हिंदी में बात करता हूं, जो भी लोग योग करने वाले हैं दोस्तों, आप पाएंगे उनका पेट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, उनकी बैली बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो योग आसन करके अपने पेट को अंदर की तरफ ले जाते हैं। मगर दोस्तों जब योग के बाद वो ही साधक साधना के क्षेत्र में जाएंगे, तब आप पाएंगे कि उनकी बैली थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। और जो लोग भी साधना के क्षेत्र में दोस्तों आपको मिलेंगे, उनकी बैली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जुपिटर का ये एक नेचुरल चीज है, राउंड बैली, ये आपको देखने को मिलेगी। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, आप गणपति की चित्र को देखिए, गणपति की मूर्ति को देखिए, जो लाफिंग बुद्धा है आप उनको देखिए, सबकी बैलीज आपको थोड़ी सी बड़ी हुई मिलेगी। तो ये राउंड बैली इज सिनोनिमम ऑफ जुपिटर। आगे इनकी फिंगर्स लॉन्ग होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ट के साथ इनका संबंध होगा, तो फिंगर्स इनकी दोस्तों लंबी हो। अब क्योंकि जुपिटर के साथ साधना जुड़ती है, शिक्षा जुड़ती है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा शिक्षा में डुबो लेते हैं, सो ये अपने शरीर का ज्यादा ध्यान नहीं ले रखते। इस वजह से इनकी हेल्थ के खराब होने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर एंड केयरलेसनेस। उसके पीछे कारण सिर्फ क्या है, दे आर इंटू रीडिंग, दे आर इंटू एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें व्यस्त रखते हैं, इस वजह से थोड़ा इनकी हेल्थ खराब होने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, इनके बाल कर्ली होंगे, राजाओं के द्वारा इनको सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। आजकल तो राजा होते नहीं, तो आप देखोगे कि जो लोग भी जुपिटर से संबंधित होंगे लोग, उनको गवर्नमेंट से रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट से उनको उपाधियां मिलती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों जुपिटर के साथ और नाइन्थ हाउस के जातकों के साथ एक खास चीज एसोसिएट होती है, वो आप नोट करें, इनके पांव में लोटस यानी के कमल का निशान देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्तों ये सात्विक हो, क्योंकि जुपिटर से ज्यादा सात्विक कोई चीज है ही नहीं। और कमल को हम क्या कहते हैं, कमल कीचड़ में खिलता है मगर कीचड़ से अछूता रहता है। सबसे ज्यादा पवित्र परमात्मा के अगर पैरों में किसी को स्थान मिलता है तो वो कमल को ही दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कमल का एसोसिएशन जुपिटर के साथ है। आगे ये दोस्तों फिकल माइंडेड होंगे, ये अब आप कहोगे कि एजुकेशन है इनके पास, गुरु नहीं, ये महागुरु हैं, उपदेशक हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ इनके पास बहुत है, तो फिर ये फिकल माइंडेड कैसे हुए, ये देखने में बात अजीब लगती है और ऐसे लगता है कि ये थोड़ा डिस्कॉर्डेंट नोट पे बात हो रही, मगर दोस्तों ये डिस्कॉर्डेंट नोट नहीं है। ज्यादा पढ़ाई भी आपको क्लेवर नहीं बना सकती दोस्तों, इस चीज को आप समझ लें। आप थोड़ा सा द्विस्वभावी हो जाएंगे, करें ना करें, करें ना करें, क्योंकि इस चीज को एनालाइज करना कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसे ही होगा, दोस्तों कोई पढ़ाई आपको ऐसा नहीं बनाती, पढ़ाई आपको सिर्फ समझ दे देती है। और जब समझ थोड़ा विकसित हो जाती है तो आदमी इनडिसिसिव ज्यादा होता है। इसी वजह से दोस्तों नॉर्मली क्या कहा जाता है कि मेल्स जितने हैं वो हमेशा इनडिसिसिव होंगे, क्योंकि मेल्स रिलीजियस शास्त्र ज्यादा पढ़ते हैं, मेल्स में जुपिटेरियन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, फीमेल्स में जुपिटेरियन कैरेक्टर कम होते हैं। इसीलिए डिसीजन के लिए अगर आपने किसी का इस्तेमाल करना है तो आप फीमेल्स का इस्तेमाल करिए, फीमेल्स
डिसीजन देने में, क्योंकि उन्होंने ज्यादा जुपिटेरियन कैरेक्टर उनमें नहीं है, इसी वजह से वो तुरंत डिसीजन करने में सक्षम होती है। अब यहां पे वो भी जो बात मैंने पहले छोड़ दी थी कि इसका ये जो डुअल स्वभाव है, ये डुअल स्वभाव कैसे है, दोस्तों अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं आप इनको देखोगे कि ये सर्विस एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए पाए जाएंगे। दोस्तों ये जो लोग होंगे ये बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिकली ओरिएंटेड नहीं होंगे, इनको मेटीरियलिज्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर ये सेवा की भावना से करेंगे। मगर दोस्तों कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव नहीं भी होती, जो जुपिटर के साथ एसोसिएटेड है। जुपिटर कहीं ना कहीं सेंसुअल इंडल्जेंसेस भी देता है। दोस्तों ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, सेंसुअल इंडल्जेंसेस। हालांकि ये सब्जेक्ट किनके साथ एसोसिएट होता था, ये वीनस के साथ एसोसिएट होता था, मून के साथ एसोसिएटेड होता था, मगर दोस्तों जुपिटर में भी ये दबी हुई भावना है, इसीलिए इसको सेंसुअल इंडल्जेंस कहा जाता है। ये हिडन डिजायर है और ये हिडन डिजायर आप पाएंगे, टीचर्स आपको देखने को मिलेगा कि जी ये तो बहुत सेलिबेसी का ध्यान रखते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, मगर बीच बीच में बहुत से टीचर्स आपको मिलेंगे जिनके लड़कियों से संबंध पाए जाएंगे। वो जो सेंसुअल इंटेलिजेंस आएगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ वो हिडन भावना के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, ये हर चीज में फिलॉसफी जरूर झाड़ेंगे, आर्गुमेंटेटिव नहीं होंगे मगर फिलॉसफी से ये चीज को समझाने में सक्षम होंगे। अब इनकी जो फीमेल्स होंगी दोस्तों वो फीमेल टाइप नहीं होंगी, उनमें मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत फ्रेंडली नेचर होगी, एक्सपर्ट म्यूजिशियंस होंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, बहुत अच्छे डांसर्स होंगे, मगर हालांकि ये कैरेक्टर्स वेनेशियन कैरेक्टर्स हैं, मगर जुपिटर में भी आपको ये कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। इनका बिलीफ बहुत फर्म होगा क्योंकि एजुकेशन जिसको हम मैक्सिमम लेवल की एजुकेशन है वो इनके पास होगी, इसलिए बिलीफ तो इनका फर्म होगा। अगर बिलीफ फर्म है तो ये कहीं ना कहीं आपको एडामेंट देखने को मिलेंगे। अब बहुत साइलेंट रहने वाले होंगे, ये फालतू में बोलने वाले नहीं होंगे, जब हां व्याख्यान देने की जरूरत पड़ेगी फिर इनको पीछे से जरा सा खींचना पड़ेगा कि अब आप चुप करिए, क्योंकि इनके पास समझाने को बोलने को बहुत सब्जेक्ट होता है, कंटेंट इनके पास बहुत होता है। बहुत डिग्निफाइड होंगे, राइटर तो ये होंगे, और राइटिंग भी कैसी करेंगे, ये फिक्शन नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये अपने एक्सपीरियंसेस अपने तरीके से राइटिंग करेंगे। ट्रांसलेशन करने वाले लोग ये नहीं मिलेंगे आपको, किसी की चीज उठा के कहीं पे जिसको कट कॉपी पेस्ट हम आजकल लोगों को कहते हैं, ये कट कॉपी पेस्ट वाले लोग नहीं है दोस्तों, ये अपना मौलिक चीजें लिखेंगे, बिल्कुल मौलिक, और वो चीजें कहीं ना कहीं इनकी इंटेलिजेंस पे रिलाई करती हुई होंगी। दोस्तों ये इस टाइप के जो लोग होते हैं इनकी मैरिड लाइफ तो देखो अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये चाहे सेंसुअल इंटेलिजेंस है इनमें, बट इवन देन ये ज्यादा टाइम अपना एजुकेशन पढ़ने में इन चीजों में डिवोट करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। और दूसरा कारण जो मैरिड लाइफ अच्छी ना होने का है वो क्या है कि इनको मेटीरियल दुनिया अच्छी नहीं लगती, ये पैसा ज्यादा नहीं कमाते, लोगों को सेल्फ सर्विस, फ्री में सर्विस, फ्री में एजुकेशन बांट दो, हर चीज दे दो, दान देना, चैरिटी, ये कॉमन भाव हैं जो जुपिटर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो ऐसे लोगों की अब आप समझ सकते हैं कि मैरिड लाइफ तो दोस्तों अच्छी नहीं होगी, क्योंकि स्त्रियों का जो एक कॉमन स्वभाव है कि उनको
हर चीज चाहिए, दे आर वेरी पोजेसिव। अब ये लोग पोजेसिव छोड़ो, ये तो देने वाले हैं, तो इनके साथ डेफिनेट बात है कि स्त्रियों की पटने की संभावना ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा इनमें बीमारी भी रहेगी। अब वो बीमारी कौन सी होगी दोस्तों, वो फिर वही सेंसुअल इंडल्जेंसेस से रिलेट होते हुए ही इनको बीमारियां होंगी, क्योंकि ये लोग जो हैं ज्यादा खुलने वाले लोग तो है नहीं, ज्यादा बातचीत करने वाले लोग तो है नहीं, क्योंकि गुरु हैं। अब गुरु का एक ईगो होती है, गुरु का एक स्टेटस होता है, गुरु आम लोगों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकता। सो इसलिए कहीं ना कहीं ये भावना भी इनमें सेक्स रिलेटेड डिजीजेस को बढ़ावा दे देती है, क्योंकि इनको रेमेडी के लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों आप नोट करें कि इनमें कौन कौन से प्लैनेट्स इस नाइन्थ हाउस में अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट्स नाइन्थ हाउस में बुरे हैं। सबसे पहले आप नोट करें, मंगल सूर्य नाइन्थ हाउस के लिए ऑस्पिशियस है, मंगल और सूर्य ऑस्पिशियस है, और मंगल और सूर्य ये अच्छे योग देने में सक्षम है इस हाउस के साथ। फिर आप बात करें, शनि इस घर के लिए हालांकि मारक है मगर वो डेथ कॉज नहीं करेगा, इस चीज को आप समझ लें, क्योंकि और जुपिटर क्योंकि अपने घर के लिए एक न्यूट्रल चीज बन जाती है। जुपिटर जो है अगर नाइन्थ हाउस में प्रेजेंट होगा तो वो न्यूट्रल रहेगा। फिर आगे नोट करें, वीनस भी मारक होगा मगर वो डेथ कॉज करने में सक्षम होगा। मरकरी सातवें और दसवें घर का लॉर्ड होने से, और दसवां क्योंकि मूल त्रिकोण हाउस है, इसलिए मरकरी अच्छा इसमें रिजल्ट देने में सक्षम होगा। चंद्रमा अच्छा होगा, चंद्रमा से तो बहुत अच्छा एक योग, जो सबसे प्रसिद्ध योग या जो मोस्ट फेमस जिसको हम योग कहते हैं गज केसरी योग, वो जुपिटर और मून से मिलकर ही बनता है। सो चंद्रमा तो दोस्तों इस घर के लिए अच्छा है। आगे हम एक एक प्लेनेट की बात लेंगे, एक एक प्लेनेट आगे वो क्या करने में क्या देने में सक्षम है। सबसे पहले आप जब भी प्लेनेट्स को एनालाइज करना है तो दोस्तों ट्रायंगल आप बना लें, लॉर्ड जुपिटर, नेचुरल कारक जुपिटर, बीच में रहने आ गए किराएदार के तौर पर सूर्य देवता। अब सूर्य और जुपिटर का मिश्रण, दो जुपिटर एक सूर्य, एक जुपिटर एक सूर्य नहीं है दोस्तों, ये गलती मत करना, दो जुपिटर एक सूर्य, ये कॉम्बिनेशन अब क्या देगा इस चीज को आप नोट करें, एनर्जेटिक बना देगा, ब्रॉड मतलब जो फिजिक होगी, क्योंकि जुपिटर का एक नेचुरल वो है कि ये एक्सपेंड करता है। अब सन तो राजा है, तो राजा है तो हर चीज लंबी चौड़ी होगी, तो ब्रॉड फिजिक आपको देखने को मिलेगी, खूबसूरती बढ़ जाएगी। फैमिली मेंबर्स के लिए गुस्सा दोस्तों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सन है, सन का गुस्सा कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक मेंबरों के ऊपर ज्यादा होता है। जैसे कभी वो अपनी पत्नी पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी शनि पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी यम पे गुस्सा हो जाते हैं, कभी यमी पे गुस्सा हो जाते, मतलब ये जो सन का कैरेक्टर्स है, और ये बढ़ जाएगा क्योंकि दो जुपिटर आ गए, जुपिटर ने इस चीज को बढ़ा दिया, ईगो बढ़ जाएगी, स्टेटस बढ़ जाएगा, ये वेल्दी हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, पेरेंट्स के साथ एल्डर्स के साथ रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे, लर्निंग में इनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वेद शास्त्रों की लर्निंग बढ़ जाएगी, एजुकेशनल परसूट्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा काम हो जाएंगे, क्योंकि दो जुपिटर है। ये चीज मैंने इसीलिए आपको बोली थी कि दो जुपिटर, एक जुपिटर एक सन हो तो वो उतना काम नहीं करेगा, दो जुपिटर हो जाएंगे तो चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं
समझाकर उसको काम बना देंगे, रिलायबल हो जाएगा, बहुत खुश रहने वाला होगा, क्योंकि जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन दोस्तों, क्योंकि जुपिटर को हमेशा राजाओं से सम्मान मिलता है, सो इनको पॉपुलर बना देगा, रिलीजियस तो बनाएगा, म्यूजिशियन बना देगा, राजाओं के नजदीक ले जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इस हाउस को आप ऐसे एनालाइज करें कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में रहने आ गया, तो आपको ये कैरेक्टर्स डिफाइन करने बहुत आसान हो जाए। एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण के घर में रहने आ गया, क्योंकि ब्राह्मण मकान मालिक है और ब्राह्मण की ही एनर्जीज उस घर में प्रेजेंट हैं, और एक क्षत्रिय उस घर में रहने को आ गया, उसको एंसेस्ट्री में क्या मिल गया, उसको एनवायरमेंट कौन सा मिल गया, और उसके अपने कैरेक्टर्स, इन तीनों कैरेक्टर्स का मिश्रण आप बना दें तो आप इस हाउस को आसानी से एनालाइज कर दें। अब दूसरा हम मतलब प्लेनेट लेंगे, दैट इज मून। चंद्रमा दोस्तों इस घर में डेबिलिटेशन के बाद वाला चंद्रमा है, अब आप इस चीज को समझ लीजिए, मतलब कभी भी प्लेनेट को एनालाइज करना है तो उसका डेबिलिटेशन एग्जॉल्टेशन पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान में रखकर फिर एनालाइज करें। मून यहां पर किराएदार रहने को आ गया तो वो क्या देगा, ब्रॉड फेस देगा, लार्ज टीथ देगा, डिसफिगर्ड नेल्स देगा। दोस्तों ये पॉइंट्स होते हैं, आप इनको नोट कर लें, और जब आप एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आगे चलोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हम क्यों ये पॉइंट्स आपको नोट करवाते हैं, ताकि ये चीजें आपको याद हो जाएं। जब भी आप डिसफिगर्ड नेल देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इनका समन्वय बनाने की कोशिश करोगे। उसके बाद राउंड आईज होंगी, आर्म्स इनकी थोड़ा सा लंबी हो जाएंगी, हैंड्स थोड़ा सा लंबे हो जाएंगे। अच्छा, इनका स्केलेटन ब्रॉड होगा, क्योंकि दो जुपिटर हैं, जुपिटर ने एक्सपेंशन तो देनी है, एक्सपेंशन देनी है, तो एक्सपेंशन से चीजें ब्रॉड हो जाएगी। बहुत इनका दिल जो होगा बहुत फाइन हो जाएगा, अच्छे दिल के हो जाएंगे, और ये फाइन आर्ट्स में, जो फाइन आर्ट्स मीन ललित कराएं, जो खास, जिसको हम स्पेशलाइज्ड फाइन आर्ट्स कहते हैं, उनमें ये लोग ज्यादा स्किलफुल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा खोजी प्रवृत्ति, बहुत इन्वेंटिव नेचर बन जाएगी, इंटेलेक्ट तो बढ़ेगा। ये अच्छी बातें अपने प्रति सुनने को पसंद करेंगे, कि इनकी रिस्पेक्ट करो, इनको एप्रिशिएट करो, ये इनको पसंद आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, वेल्दी होंगे, मगर माइजर होंगे। बच्चे इनके काफी होंगे, बहुत क्लियर हार्टेड होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ये चीजें जब भी मून प्रेजेंट होगा तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब अगला प्लेनेट लेते हैं, वो है मंगल। अब मंगल यहां पे क्या देगा, अब मंगल आप देखिए भूमि वाहन ये चीजें देता है, तो इनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स काफी हो जाएंगे, मकान हो सकते हैं। इनको एनिमीज से डिफिकल्टीज मिलेगी, क्योंकि देखो मार्स का कहीं नहीं, कहीं ना कहीं ये काम है कि एनिमीज से उस हाउस को प्रोटेक्ट करना। अब जुपिटर है, जुपिटर के तो दोस्तों एनिमीज होते ही हैं, क्योंकि आप हमेशा समाज में देखो पढ़े लिखे लोगों के शत्रु आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और दूसरा कारण, क्योंकि ये समाज में ज्यादा सोशल नहीं होते, लोगों से मिक्सअप नहीं होते, इसीलिए इनके एनिमीज ज्यादा होते हैं। सो कहीं ना कहीं जब मार्स यहां पे प्रेजेंट हो जाएगा तो उन एनिमीज से वो फाइट करेगा। उसके बाद मिनिस्टर बना देगा इनको, स्टेट्समैन बना देगा, फ्रैंक बना देगा, प्लेयर लविंग बना देगा, बच्चे इनके थोड़े होंगे, इनको इम्पेशेंट बना देगा, इनको अच्छे सिटीजन बना देगा। क्यों, रीजन क्या है, रीजन दोस्तों नोट कर लो, क्योंकि जुपिटर और मंगल ये आपस में मित्र हैं, इसलिए आपको अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं मरकरी की। मरकरी बुध देवता अगर रहने को आ गए तो क्या होगा, बुध देवता दोस्तों बहुत खूबसूरत हैं, यूथफुलनेस उनमें बहुत ज्यादा है, सो मगर हाइट उनकी छोटी थी, और जुपिटर की भी हाइट छोटी है, तो इसलिए छोटी तो हाइट होगी, हाइट छोटी होगी, मगर
जो यूथफुलनेस है वो बढ़ जाएगी। 60 साल की उम्र में भी आपको ये 40 वाले देखने को मिलेंगे, कर्ली हेयर होंगे। यहां भी दोस्तों वेनेरियल डिजीजेस, सेक्स रिलेटेड डिजीजेस देखने को आपको मिलेंगी। डेबिलिटी, देखो डेबिलिटी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो बुध के साथ एसोसिएटेड, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं बहुत दबू तबीयत, दबा हुआ, आप एक देखोगे थका सा, और क्योंकि सारा दिन उसने शारीरिक श्रम नहीं करना, उसने सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा हुआ तो ये लोग थक जाते हैं, क्योंकि जुपिटर ने उसी चीज को, उसी कारक को एक्सपेंड करना है। जैसे ही बुध रहने आ गए, आप सोचना शुरू कर दिया, चाहे वो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपका सोचना जब बढ़ जाएगा, मेंटल फंक्शन बढ़ गया आपका, मेंटल फंक्शन बढ़ गया क्यों, जुपिटर ने उस मेंटल फंक्शन को बढ़ा दिया, मेंटल फंक्शन बढ़ेगा तो आपको शारीरिक थकावट आएगी, आप इसको इस तरह समझ लें। माइजर बना देगा, सेक्स में प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ा देगा, इंडलजेंस दे देगा, लेजीनेस से आप सफर करोगे, ट्रबल्स बढ़ जाएंगी, तकलीफें बढ़ जाएंगी, आप झूठ बोलने वाले हो जाओगे, वर्चुअस हो जाओगे, उल्टा स्त्रियों की कंपनी आपको रहेगी, इस चीज को आप देख लें। नौकरियां करोगे मगर या आपके ऊपर ब्लेम लगेगा या आप दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाओगे, मतलब ब्लेमफुल जॉब्स आपकी होंगी, चोरी करने वाले हो सकते हो, बोल्ड हो सकते हो, रेकलेस हो सकते हो, वो क्यों है, क्योंकि मरकरी यहां पे न्यूट्रल है। मगर दोस्तों आप इस चीज को जानते हैं कि मरकरी कभी भी अपना स्वभाव नहीं देता, वो जिस भी घर में, जिस भी प्लेनेट में आके बैठ जाएगा वो ही स्वभाव लेकर वो ही स्वभावों को दे देगा, ये मरकरी का एक नेचुरल सा स्वभाव। उसके बाद बात करते हैं अब ट्रायंगल के तीसरे कॉर्नर पर भी सेम वो ही बृहस्पति देवता यानी जुपिटर घर में किराएदार के तौर पर रहने आ गए तो क्या होगा, क्योंकि अपना घर है, अपना घर होने से अब तीन जुपिटर हो गए दोस्तों, अब तीन जुपिटर हो गए तो क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, आप आइडिया लगाएं, सोचें क्या हो सकता है, एक एक्सपेंशन, दो एक्सपेंशन, अब तीन एक्सपेंशन हो गई, क्या होगा नोट करें दोस्तों। रिलीजियस वाउस, सेक्रीफाइसेस बढ़ जाएंगे, वेल्थ लास्टिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा चैरिटेबल हो जाएंगे, फ्रेंडली नेचर बढ़ जाएगी, सोशल सर्विस बढ़ जाएगी, वेद और शास्त्रों का पढ़ना लिखना समझना बढ़ जाएगा। ये मिनिस्टर नहीं, ये तो हेड मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी आपको बना सकता है, ये इतना बढ़िया योग बन जाएगा। ये काफी कंट्रीज में रहने वाले, घूमने वाले, जाकर रहने वाले, वहां जीवन यापन करने वाले बन जाएंगे। अकेलापन ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप हमेशा जानते हैं कि जुपिटर ज्यादा सोशेबल नहीं है, लोगों के साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं होते, अब तीन जुपिटर की एनर्जी से इकट्ठी हो गई तो कहीं ना कहीं लोनली तो आदमी होगा। रिलीजियस जर्नीज बढ़ जाएंगी, इनहेरिटेंस बढ़ जाएगी, इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, बहुत नोबल हो जाएंगे, बहुत ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे, बहुत चैरिटेबल हो जाएंगे, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, पोएटिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत ओपन माइंडेड होकर अपने व्यूज देने वाले बन जाएंगे, बहुत अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट, बहुत अच्छी बातचीत करने वाले बन जाएंगे, व्हीकल्स इनके पास बहुत होंगी, ऑर्नामेंट्स इनके पास बहुत होंगे, क्योंकि ये जुपिटर के नेचुरल कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें बढ़ जाएगी। यहां दोस्तों कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरू में कहा था, मैंने इसी वजह से स्माइल पास की थी कि शायद आप मेरी बात को वहीं से पकड़ लेते, क्यों, क्योंकि दोस्तों जुपिटर का एक नेचुरल हिडन या जो किसी का जीन्स के तौर पर उसमें जो कैरेक्टर्स भरे होते हैं, जुपिटर कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। जुपिटर तो बुरे घरों में बैठकर भी अच्छाई करने में सक्षम है, तो जुपिटर अपने घर में, अपने ओन हाउस में बैठकर तो ये गलत काम कभी होंगे ही नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं
शुक्र महाराज, शुक्राचार्य यानी वीनस अब इस घर में यानी के नौवें हाउस में रहने को आ गए तो क्या होगा? नोट करें, स्टाउट बॉडी होगी, मीडियम हाइट होगी, बहुत पावरफुल होंगे, बहुत वेल्दी होंगे, बहुत रिस्पेक्टेड होंगे, जेनरस हो जाएंगे, बहुत फ्रैंक होंगे, लाइफ इनकी बहुत हैप्पी होगी, बहुत हाई पोजीशंस लेंगे, बहुत फिलोसफिकल हो जाएंगे। क्यों दोस्तों? मेरी किसी भी बात को, मेरी एक नेचर है, मैं कभी किसी बात को नहीं मानता जब तक वो बात रीजनिंग पे साबित ना हो जाए। अब ये बात वो फिलोसफिकल वो कैसे साबित होगी मैं बताता हूं। अब दोस्तों, दो जुपिटर है, एक वीनस है। जुपिटर भी शिक्षक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, और शुक्र भी दोस्तों ये आचार्य हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, इसलिए फिलॉसफी तो इन तीनों के मिश्रण में भी आएगी। बहुत अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छी फैमिली होगी, आप सेलिब्रिटी बना देगा ये आपको, मिनिस्टर बना देगा, आपकी नेचर बहुत खूबसूरत हो जाएगी, औरतें आपके आगे पीछे घूमेंगी, आप बहुत अच्छे पोएट बन जाओगे, आपकी रिस्पेक्ट, नेम, फेम आपको सूर्य के समान हो जाएगा दोस्तों, अमिताभ बच्चन बन जाओगे, सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, बिल गेट्स बन जाओगे। ये इनके मिश्रण से संभव है, जरूरी नहीं है कि आप बनोगे ही, संभव है दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी संभावनाओं का ही क्षेत्र है, हम यहां से संभावनाएं ढूंढते हैं और फिर उसको तर्क की कसौटी पर रखकर उसको एक प्रेडिक्शन के रूप में आपके सामने पेश कर देते हैं। फिर सेलिब जैसे मैंने बताया, उसके बाद स्कॉलर बना देगा, वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता, आपको बहुत बड़ा उपदेशक। मगर ये जो उपदेशक दोस्तों होंगे, आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट, बात हंसने की है, ठीक है किसी को बुरी लग सकती है, मगर दोस्तों मेरा आशय किसी का दिल दुखाना नहीं है। अगर किसी का दिल दुखे तो मेरे को माफी दे देना, क्योंकि मैं किसी को जज करने वाला नहीं हूं दोस्तों। जो चीजें सामने आती हैं, हम तो सिर्फ वो ही बोल सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से दोस्तों कहीं ना कहीं आप बापू आसाराम जैसे कैरेक्टर्स भी देख सकते हो। जुपिटर वीनस का मिश्रण, मेटीरियलिज्म बहुत ज्यादा हाई, लेडीज के साथ संबंध बहुत ज्यादा हाई, मगर साथ में विजडम, शास्त्रों के ज्ञाता, गुरु, बहुत अच्छे काउंसलर, वो भी साथ में होंगे। सो दोस्तों ये चीजें भी इससे हमें मिल सकती हैं। अब हम आखिरी दो तीन प्लैनेट्स को देखेंगे, तो वो कौन से होंगे? वो होंगे एक तो शनि महाराज। शनि महाराज अगर यहां पर रहने आ गए, यानी सैटर्न एज किराएदार आ गए, तो क्या होगा दोस्तों? जो नेटिव होगा वो बहुत कनिंग हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, बहुत आइसोलेशन में रहने वाला पीस लविंग होगा। देखने को वो बहुत जेनरस लगेगा, हालांकि होगा या ना होगा ये जरूरी नहीं है। देखने को आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही दयावान, बहुत ही चैरिटेबल, बहुत ही अच्छे, मतलब देखने को लगेगा। वाइफ के साथ इनकी ट्रबल्स रहेंगी, बहुत अच्छे बच्चे होंगे, और जनरली ये खुश रहने वाले ही लोग होंगे। बच्चों से इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत फेमस हो जाएंगे, अच्छी लिविंग होगी, सेटिस्फाइड लाइफ होगी। लाइफ में आप इनको ऑलराउंड सक्सेस लेते हुए देखोगे। अब टीचिंग तो, क्योंकि दो जुपिटर हैं, टीचिंग तो होगी, वैदिक मीनिंग को समझने वाले होंगे। लर्निंग के साथ इनको, जिसको हम डिक्शन कहते हैं, बोलना, हर चीज को बहुत ही सलीके से बोलना, जैसे वैदिक मंत्र या वैदिक शास्त्र को प्रोनाउंस करना है तो ये बहुत क्लैरिटी से प्रोनाउंस करने वाले होंगे उसको। बच्चों से इनको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, बच्चे फैमिली का प्रोफेशन लेंगे, बच्चे एक बहुत अच्छे एफ्लुएंस लेंगे जो ओल्ड एज में जाकर इनको मिलेगी। शुरू में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दो जुपिटर हैं, जुपिटर अपने कैरेक्टर्स तो देगा, मगर आप देखना
कि अगर शनि महाराज रहते हैं तो लेटर एज, जिसको हम 40-45 के बाद वाली एज मतलब यानी के लेकर मानते हैं, तो उसमें इनके पास एफ्लुएंस बहुत होगी। ये काफी लोगों द्वारा, और एक खास बात जो टिप में यहां पे आपको दे सकता हूं, इनको लोग बहुत अलग अलग नामों से जानने वाले होंगे। जैसे एक ही नाम से लोग इनको नहीं जानेंगे, इनको काफी नामों से जाना जाएगा। और यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी आप पॉइंट नोट कर लें कि अगर शनि यहां 9th हाउस में प्रेजेंट होंगे तो ये लेगेसी देंगे। इसी वजह से आपके जाने के बाद भी यानी आपकी मृत्यु के बाद भी आपको लोग याद रखेंगे। राजाओं के साथ तो अब इनका संबंध होगा ही होगा, खुश रहेंगे, स्पाउस के साथ इनका ठीक होगा। मगर एक चीज ऐसे है कि इनका, क्योंकि शनि के कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो इनका संबंध कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूट्स के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है, संभावना है दोस्तों इस चीज की कि यह चीज हो सकती है। अब क्योंकि आप देखिए शनि कर्म कारक है, शनि का अपना घर 10वां घर जो कर्म का घर है, प्रोफेशन का घर है। अब 9th हाउस में अगर शनि आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो इस घर के कैरेक्टर्स को 10वें घर में ले जाने में सक्षम होगा। ये दोस्तों क्यों है, ये थोड़ा सा एक टिप भी है जो मैं आपको दे देता हूं कि शनि जहां भी प्रेजेंट होता है वो अपने से प्रीवियस हाउस में लिंपिंग इफेक्ट देता है, और उससे जो अगला घर होता है वो उसका कुटुंब भाव बन जाता है। आप देखिए किसी भी घर को दोस्तों एनालाइज करना है, आप इन दो चीजों को ध्यान रख लें। अगर आप 9th हाउस को देख रहे हैं तो 8th हाउस उसका यानी 12th हाउस हो गया, दैट इज हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, और 10th हाउस उसका 2nd हाउस हो गया, वो उसका कुटुंब भाव हो गया। आप उसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहु और केतु। दोस्तों राहु का जो नेचुरल कैरेक्टर है, यहां पे मैं आपको एक रिसर्च का टिप देता हूं, वो आप नोट कर लें, समझ लें वो क्या है। दोस्तों राहु सबको कंट्रोल कर लेता है, सबके दिमाग को अपने वश में कर लेता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे कोई है। शुक्र तो उसके कंट्रोल में बहुत आसानी से आ जाते हैं, हालांकि आचार्य है, मगर दोस्तों अकेला जुपिटर सक्षम है जो उसके इस माया जाल में नहीं फंसता। ये युति कहीं ना कहीं जुपिटर के इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स को देने में भी सक्षम हो जाती है, और राहु भी बाध्य हो जाता है अच्छे कर्म करने को। सो 9th हाउस में आप देखोगे डेस्टिनी बढ़ जाएगी, रिलीजियस कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे, और मिस्टीरियस रिलीजियस कैरेक्टर्स, मिस्टीरियस हो सकता है उसमें तंत्र मंत्र ये चीजें भी दोस्तों बीच में आ जाएं, ये राहु दे सकता है। मगर एक चीज जरूर है, उसकी जो इंटेंशन है वो इंटेंशन कभी नेगेटिव नहीं होगी, मैलेफिक नहीं होगी, वो अच्छी इंटेंशन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लें केतु महाराज की। दोस्तों केतु तो है ही थोड़ा सा एलिवेटेड जुपिटर, थोड़ा सा बड़ा जुपिटर, सो इन तीनों का मिश्रण दोस्तों एक चीज दे सकता है कि आपको पेट की प्रॉब्लम्स दे सकता है। मगर वेद शास्त्र ये चीजें दोस्तों बहुत बढ़ जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इस हाउस में केतु अगर प्रेजेंट हो जाएंगे तो आपको बहुत मिस्टीरियस सडन गेन्स, हालांकि ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल होगी मगर गेन्स आपको मटेरियल भी मिल जाएंगे, ये केतु आपको दे सकता है। सो दोस्तों आज हमने 9th हाउस के रिलेटेड सारे प्लैनेट्स, सारे गुण स्वभाव कैरेक्टर्स, कौन कौन से प्लैनेट्स फ्रेंडली है एनिमी है, ये सब चीजें जान ली। आशा करता हूं इतनी नॉलेज के बाद आपका ये सब्जेक्ट
कुछ हद तक नाइन्थ हाउस के बारे में पूर्ण हो गया होगा। आपकी क्वेस्ट काफी शांत हो गई होगी और आप कुछ पहले से ज्यादा अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी की जो ये मिस्टीरियस दुनिया है इसको जानने में। और ये एजुकेशन दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा सक्षम बना देगी, आपको कुछ और अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाने में आपको हेल्प करेगी। सो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए इस यात्रा में, हमारे साथ प्यार को इसी तरह बढ़ाते रहें। और दोस्तों वो निवेदन, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट हमें एनकरेज करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे समझाने में कोई चीज़ छूट जाती है तो आप हमें उस चीज़ को पिन पॉइंट करें। प्रयत्न करेंगे दोस्तों, प्रॉमिस नहीं मैं करता, प्रयत्न करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। मगर एक यहां पे दोस्तों एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप कमेंट तो करें एजुकेशन के संबंध में। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसका आंसर आपको दूंगा। मगर दोस्तों पर्सनल कंसल्टेशंस से थोड़ा सा बचें क्योंकि वो हमारे एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। आपने पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। आप फोन नंबर हमेशा आपको दिया जाता है, वो फोन नंबर आप दोबारा नोट कर लें, दैट इज 9888-16-4480। आप उस नंबर से पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हैं। नहीं आपके जो भी एजुकेशन के संबंधित कोई भी प्रश्न है आप वो प्रश्न हमें इस वीडियो में जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप डालें, आपको उनके आंसर्स अवश्य मिलेंगे। सो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए मैं आपके एज ए एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे भविष्य की कामना करता हुआ थैंक यू वेरी मच।